इससे पहले आपने ये हैक कहीं पे भी नहीं देखा होगा, ना आपकी बेस ग्रे होगी, ना ही किसी को समझ आएगी कि आपने बेस लगाई हो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम एहसान, प्रोफेशनल ब्राइडल बेस के हैक्स शेयर करने लगी हूं मैं आपके साथ। इसके अलावा मैं आपको एक फाउंडेशन के साथ बहुत सारे डिफरेंट शेड्स बना के दिखाऊंगी और बहुत सारे मज़े के डिफरेंट मेथड्स भी बताऊंगी, और ये सारा कुछ हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कलर करेक्टर्स। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लेट्स स्टार्ट। लड़कियों को फेयर मेकअप करने का बहुत शौक होता है, लेकिन जब वो फेयर बेस डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेती हैं तो थोड़ी देर के बाद मेकअप फेयर लगने के बजाय काला लगना शुरू हो जाता है, बेस ग्रे हो जाती है और साथ साथ मूड भी खराब हो जाता है। लेकिन वही फेयर मेकअप अगर आप पार्लर से करवाएंगी तो आपका मेकअप जो है वो ब्लैक नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर की जाती है आपकी मेकअप बेस से पहले कलर करेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कलर करेक्शन के लिए मेरे पास यहाँ पर 4 डिफरेंट कलर के कलर करेक्टर्स हैं, ये सब के सब डिफरेंट कलर्स में है और ये मैंने bigbasket.pk से मंगवाए थे, जहाँ से आपको ओरिजिनल मेकअप मिलता है, ठीक है जी। इनका ओरिजिनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सबके मैं यूजेस आपको बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेयर बेस बनाने के लिए यूज करेंगे ऑरेंज कलर कलर करेक्टर। आपने बेस अप्लाई करने से पहले ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर अपने फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है, थोड़ा सा स्पंज के साथ भी ब्लेंड कर लें। उसके बाद आपने फेयर बेस अप्लाई करनी है। जब आप इस तरीके से बेस बनाएंगे तो कभी भी आपकी बेस ग्रे नहीं होगी। अब आप यहाँ पे दोनों बेसिस का कंपेरिजन देख लें, जो हमने डायरेक्ट अप्लाई की थी वो ग्रे हो चुकी है और जो हमने कलर करेक्टर के ऊपर अप्लाई की थी वो बहुत ज़्यादा फेयर भी लग रही है और उसका कलर फ्रेश है, और ये थ्रू आउट फ्रेश ही रहेगा 5-6 घंटे तक। जैसे भी आप बेस उसको यूज़ करेंगे पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप में, ये बिल्कुल भी ग्रे और ब्लैक नहीं होगी। ये थी बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोफेशनल ट्रिक। चलते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। अब जो हैक मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे पहले आपने ये हैक कहीं पे भी नहीं देखा होगा। क्या करना है आपने, कलर करेक्टर्स के साथ आपने अपनी फाउंडेशन तैयार करनी है। यस, बहुत ही ज़बरदस्त शेड तैयार होगा। करना क्या है, 3 शेड्स लेने हैं कलर करेक्टर्स के, एले गर्ल के ये करेक्टर्स हैं। अगेन मैं आपको बता दूँ ये ओरिजिनल हैं, फेक वालों के साथ आप ट्राई मत करें, उनकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं होती और ना ही वो प्रोफेशनली यूज़ होते हैं, ठीक है जी। तो ये ओरिजिनल वाले, इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। bigbasket.pk से ही मैंने मंगवाए थे, वहाँ से मैं पहले भी चीज़ें मंगवाती रहती हूँ तो ये भी मैंने वहीं से मंगवाए। अच्छा जी, तो क्या करना है आपने, ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर, ग्रीन एंड येलो तीनों की मिकदार आपने सेम ले लेनी है, ठीक है, जिस तरह से मैंने हाथ पे ली है। और इसके बाद आपने इन तीनों को कर देना ब्लेंड। अब देखें, जैसे ही मैंने इनको ब्लेंड किया तो ये इतना खूबसूरत फाउंडेशन का शेड बनेगा जो बिल्कुल आपकी स्किन के साथ मैच करेगा, और आप इसको इनविजिबल फाउंडेशन भी कह सकते हो, ठीक है। कोई बाज़ औकात ऐसी लड़कियां होती है जिनको बहुत ओवर फाउंडेशन नहीं पसंद होती, वो कहती हैं कि बस हमारी स्किन बिल्कुल इवन आउट हो जाए, सारे ब्लेमिशेस, रेडनेस और डार्क सर्कल्स वगैरह भी छुप जाएं, लेकिन पता भी ना चले किसी को कि आपने फाउंडेशन लगाई हुई है। तो अगर आप इस तरह की फाउंडेशन ढूंढ रहे हो तो फाउंडेशन मत खरीदो, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप इन 3 शेड्स को मिक्स करो और आपका परफेक्ट फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। आपके सामने मैंने तैयार करके दिखाया, एक शेड पर मैंने स्वाच भी कर दिया। अब मैं आपको पूरे हैंड के ऊपर इसकी एप्लीकेशन भी दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड होगा। और एले गर्ल के करेक्टर्स की कंसिस्टेंसी बहुत जो है ना थिक नहीं होती, बड़ी मीडियम सी कंसिस्टेंसी होती है, ना केकी होंगे, ना आपकी बेस ग्रे होगी, ना ही किसी को समझ आएगी कि आपने बेस लगाई हुई है। पूरे हाथ पे भी देख लें, ठीक है जी, और ये इस तरह से इसका शेड आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने फाउंडेशन लगाई हुई, और बहुत अच्छी कवरेज हो जाएगी। ये है कि आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आपको कैसा लगा। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। चलें जी, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने एक फाउंडेशन के साथ हर तरह का शेड कैसे बनाने। मैं आपको बहुत सारे शेड्स बना के दिखाऊंगी और आप भी अनलिमिटेड शेड्स बना सकते हो। करना आपने क्या है, एक ही फाउंडेशन आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, जिन लड़कियों के पार्लर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही काम आने वाली है, और जो लड़कियाँ खुद घर में फाउंडेशन यूज़ करती हैं उनके पास कलर करेक्टर्स भी पड़े होते हैं, उनके पास फाउंडेशन भी पड़ी होती है, फिर भी वो कहती रहती हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट शेड नहीं है, तो उनका मसला भी हल हो जाएगा। वीडियो को गौर से देखें और जी एक ही फाउंडेशन के साथ डिफरेंट शेड्स बनाना सीख लें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसका फाउंडेशन का ओरिजिनल स्वैच दिखा देती हूँ, ठीक है। मैंने कोई भी फाउंडेशन फेयर वाली उठा ली, उसका स्वैच मैंने आपको ओरिजिनल दिखा दिया कि ये है, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे इसके साथ डिफरेंट शेड्स। सबसे पहले जो मैं आपको शेड्स बनाना बता रही हूँ उसमें मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज करेक्टर, ठीक है। अपनी बेस के अंदर मैं थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर ऐड करूंगी तो इसका कलर स्लाइटली चेंज हो जाएगा, स्लाइटली डार्क की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जिनकी विटी स्किन है या जिनके फेयर से नीचे शेड्स आते हैं ना, ठीक है, ये उस शेड में चला जाएगा, ठीक है जी। ये जी हो गया हमारा सेकंड शेड। अब जो थर्ड शेड हम बनाएंगे, पहला तो ओरिजिनल था, फिर हमने एक सेकंड शेड बनाया, अब थर्ड शेड जो हम बनाने लगे उसमें हम थोड़ा सा मज़ीद ऑरेंज करेक्टर ऐड करेंगे। जब हमने थोड़ा मज़ीद ऑरेंज करेक्टर ऐड किया तो कलर थोड़ा सा और डार्क की तरफ चला गया, ठीक है जी, थोड़ा वार्म की तरफ, थोड़ा मज़ीद मीडियम स्किन का कलर बन गया।
इसी तरह से हमने थोड़ा सा मज़ीद जब ऑरेंज करेक्टर डाला तो कलर जो है ना हमारा मज़ीद डार्क हो गया। आप इस तरह से लातादार शेड्स बना सकती हैं, क्लाइंट्स को देखें, उनकी स्किन को देखें, ऑरेंज करेक्टर ऐड करके देखें और उनकी स्किन के हिसाब से शेड बना लें। ठीक है जी, तो ये जी हमने जितने भी शेड्स बनाए यहाँ पर, ये सब के सब हमने बनाए ऑरेंज करेक्टर को यूज़ करते हुए। अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर अब एक नेक्स्ट शेड उठाने लगी हूँ जो कि है टोस्ट। इसकी मदद से भी आप इजीली फाउंडेशन का कलर चेंज कर सकते हो और ये तो हैवी ब्राउन टोन में, कंटोरिंग के टोन में आता है ये कलर। इसको आप लिक्विड कंटोर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो और अपनी फाउंडेशन के शेड को चेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, इसके साथ भी हमने ऐसा ही करना है, थोड़ा सा ऐड करना है, फाउंडेशन का कलर थोड़ा सा मीडियम की तरफ आ जाएगा। जब हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे तो मज़ीद डार्क होता जाएगा और इसी तरह से आप जितना डार्क करना चाहें उसी तरह से आप डिफरेंट शेड्स इसके साथ बना सकते हैं। और यहाँ पे जी देखें, एक ही फाउंडेशन के साथ मैंने आपको कितनी सारी शेड रेंज बना के रख दी है और इसी तरह से आप बेशुमार शेड्स बना सकते हो। और जी अब देख लेते हैं कुछ मज़ीद मज़े मज़े के हैक्स। चलें जी, फेयर फाउंडेशन के तो हमने डार्कर शेड्स बना लिए और बड़ी अच्छी हमने शेड रेंज बना ली जो एशियन, इंडियन और पाकिस्तानी स्किन टोन के हिसाब से बड़ी परफेक्ट जाती है। अब अगर आपके पास डार्क कलर की फाउंडेशन है तो आपने क्या करना है, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा सा येलो करेक्टर जब आप ऐड करोगे ना, ठीक है, ये भी एलेगर का है, तो वो कलर जो है ना ब्राइट हो जाएगा, बड़ा फेयर टोन में चला जाएगा। और अगर आप किसी भी फाउंडेशन को येलो टोन में लेके जाना चाह रहे हो, किस तरह से ब्राइट जाती हैं बाज़ुकात, वो कहती हैं हमें येलो बेस चाहिए, पार्लर्स में येलो बेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो आप अलग अलग से येलो बेस ख़रीदने की बजाय एक येलो करेक्टर अगर अपने पास रखोगे तो आप अपने किसी भी फाउंडेशन को येलो टोन में लेके जा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़े की ट्रिक है। देखिए जी, यहाँ पर हमारी फाउंडेशन जो है बिल्कुल येलो हो चुकी है और बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। चलें जी, अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि इन कलर करेक्टर्स को आप और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, हैक्स तो मैंने बहुत सारे आपको बता दिए जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। उसके अलावा जो ये ऑरेंज कलर का करेक्टर है, इसको आप डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए यूज़ करोगे। डार्क सर्कल्स के ऊपर आप अप्लाई करो, ठीक है, उसको अच्छे से ब्लेंड करो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, उसके बाद आप बेस अप्लाई करो, कंसीलर अप्लाई करो, यू आर गुड टू गो। ये जो कंसीलर होता है ऑरेंज कलर का, ये आपकी डार्कनेस को छुपाता है, ठीक है, डार्कनेस आपकी नज़र नहीं आती। उसके अलावा ये देख लेते हैं ग्रीन करेक्टर। ग्रीन करेक्टर आपकी रेडनेस को छुपाता है फेस के ऊपर। जिन लड़कियों को एक्ने के निशान आते हैं फेस के ऊपर, जगह जगह पर रेडनेस है और बेस अप्लाई करने के बाद वो नज़र आती है, बहुत बुरी लगती है, तो आपने क्या करना है, पहले अप्लाई करना है ग्रीन कलर का करेक्टर, ब्यूटी ब्लेंडर से उसको करना है अच्छे से ब्लेंड, उसके बाद आपने अपनी बेस अप्लाई करनी है। तो इस तरह से आपकी जो रेडनेस है वो दब जाएगी, छुप जाएगी और आपका मेकअप बहुत ही प्रोफेशनल और फ्लॉलेस लगेगा। नेक्स्ट ये हमारे पास है येलो कलर का करेक्टर। ये जो है आपके ब्लू और पर्पल कलर को दबाने के लिए होता है। बाज़ुकात कुछ लड़कियों के फेस पे वेंस नज़र आ रही होती हैं या कुछ लड़कियों के फेस पे कभी कोई ज़ख्म हो जाता है जिसका निशान नज़र आ रहा होता है, तो आप लोगों ने उसको छुपाने के लिए येलो करेक्टर का इस्तेमाल करना है। येलो करेक्टर लगाएं, ब्लेंड करें, ऊपर बेस लगाएं, तो बिल्कुल भी आपकी ब्लू और रेड दाग धब्बे नज़र नहीं आएंगे, ब्लू और पर्पल वाले। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टोस्ट। ये जो शेड है ये आप लिक्विड कंटूर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, ब्रॉन्जिंग के भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा वाइट लग रहा है तो आप ब्रॉन्जिंग के लिए भी इस शेड को यूज़ कर सकते हो। और जी उसके अलावा आप इसको डार्क टोन्स के साथ भी, जब आपके पास कोई बहुत ज़्यादा डार्क क्लाइंट आ जाए उसके साथ भी आप वर्क कर सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे नज़र आने वाले कलर करेक्टर्स हैं ये बहुत ही काम के होते हैं और बहुत ज़्यादा मेकअप में ये प्रोफेशनली यूज़ होते हैं और इनके इतने ज़्यादा यूजेज होते हैं जो आप लोग को पता ही नहीं होते। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मज़ीद भी इस पर वीडियोज़ आएंगी कलर करेक्टर्स के और भी बहुत सारे यूजेज होते हैं जो मैं आपके साथ आगे आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, जहाँ से मैंने मंगवाए थे ओरिजिनल वाले, आप लोग भी वहां से खरीद सकते हो। और जी आज की थी ये वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपसे मिलूं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।